हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है? सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स पढ़े, ठीक है, होमोजीनियस इक्वेशन पढ़ी है, और फिर हमने थर्ड मतलब जो आपने पढ़ा है वो पढ़ा है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस इक्वेशन। अब देखिए हमारा अगला टॉपिक आता है, अगला टॉपिक का नाम है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, ये है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या? इसे हिंदी में कहते हैं रैखिक अवकल समीकरण, रैखिक अवकल समीकरण, ठीक है, रैखिक अवकल समीकरण। किस टाइप की इक्वेशन को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं? फर्स्ट वी नो दैट, हमें ये जानना जरूरी है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या। तो देखिए हमने पढ़ा है डी वाई अपॉन डी एक्स, ये वाली इक्वेशन आप 12th क्लास में भी पढ़ चुके हो। डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल क्यू, ठीक है, इस टाइप की इक्वेशन लिखी हो तो इसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन दें तो इसमें क्या होगा, एक तो वाई यहाँ पर होगा डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, क्या होगा वाई यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, एंड डी वाई और डी एक्स डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट, डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ फर्स्ट डिग्री, ठीक है, क्या लिखोगे आप, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल क्यू, जहां वाई क्या होगा डिपेंडेंट वेरिएबल और एक्स ये देखिए ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, और ये कैसा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक तो आश्रित चर है और दूसरा क्या है आश्रित और स्वतंत्र चर, तो स्वतंत्र चर कौन है एक्स और वाई क्या है आश्रित चर है, वाई क्या है यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल है, डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ फर्स्ट डिग्री, फर्स्ट डिग्री का मतलब है इसकी जो पावर होगी डी वाई बाई यानी कि डी वाई अपॉन डी एक्स की जो पावर होगी वो क्या होगी रेस टू वन, यानी कि इसकी पावर कितनी होनी चाहिए वन की होनी चाहिए, ठीक है, और पी वाई इक्वल क्या होना चाहिए क्यू फॉर्म का होना चाहिए, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, देन दिस इक्वेशन इज कॉल्ड क्या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, कितनी ऑर्डर का कहलाता है फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है, यानी कि इससे सिंपल इक्वेशन आपको नहीं मिलेगी ना इससे सिंपल आपको डेफिनेशन देखने को मिलेगी, आपके जो बुक में डेफिनेशन है वो लेंथी है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है क्या लिखनी है इक्वेशन लिखनी है, ठीक है, क्या होती है इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स ए प्लस पी वाई इक्वल क्यू, ठीक है, वाई क्या होगा वेयर डिपेंडेंट वेरिएबल, एक्स क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और डी वाई बाई डी एक्स क्या है डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ फर्स्ट डिग्री, ठीक है, कितने डिग्री का है फर्स्ट डिग्री का है, ठीक है, और डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव है यानी कि डी वाई बाई डी एक्स
क्या है डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ फर्स्ट डिग्री, देन दिस इक्वेशन, तब ये इक्वेशन क्या कहलाएगी, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल क्यू इज कॉल्ड क्या, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, क्या कहलाती है, ऑफ फर्स्ट ऑर्डर की क्या कहलाती है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है, यानी रैखिक अवकल समीकरण कहलाती है। इफ़ वी टेक, अब देखिए, इफ़ वी टेक x एज ए आश्रित चर, यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट, इफ वी टेक x एज ए डिपेंडेंट वेरिएबल, देन इक्वेशन कैन बी रिटन एज, अब बताइए y की जगह हमारा क्या आ जाएगा, x, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा हो गया, y, और प्लस में क्या हो जाएगा, p होगा, तो p1 लिख दूं, क्योंकि इसको दूसरी तरीके से डिनोट करते हैं, x के लिए डिनोट कर रहे हो, तो इसलिए यहाँ पर p1 कर दिया, वैसे फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, आप p भी लिख सकते हो, और यहाँ y आ रहा था, तो यहाँ क्या आ जाएगा, x, और इक्वल क्या आ जाएगा, q, ठीक है। ये क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, चाहे इस फॉर्म में लिखी मिल जाए, चाहे आपको इस फॉर्म में लिखी मिल जाए, ठीक है, और इस दोनों ही फॉर्म से आप सॉल्व करोगे, आगे इसके एग्जांपल भी हम पढ़ेंगे, तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सबसे सिंपल डेफिनेशन है इसकी। अब देखिए सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, अब हमारी अगली हेडिंग है सॉल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि इक्वेशन क्या थी, डी वाई अपॉन डी एक्स, ये इन स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है, मानक रूप यही है, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल क्यू, इक्वेशन नंबर वन दे दें से, ठीक है। अब इसके सॉल्यूशन का स्टेप फर्स्ट होगा, बोथ साइड मल्टीप्लाई e की पावर p dx, तो सबसे पहले फर्स्ट वी फाइंड आउट इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यानी कि समाकलन गुणांक या समाकल गुणांक बोल सकते हैं, समाकल गुणांक, ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जिसको हम डिनोट करेंगे किससे, e की पावर pdx, तो e की पावर pdx, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में आपको क्या निकालना है, फर्स्ट वी फाइंड आउट इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जिसे हम डिनोट करते हैं e की पावर pdx से, ठीक है, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ pdx। अब सेकंड है बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय आई एफ से क्या करो, आप बोथ साइड क्या करो, मल्टीप्लाई करो, तो आप देखना मैं बोथ साइड मल्टीप्लाई करूंगी पी डी एक्स डी वाई वाई डी एक्स प्लस पी वाई, या लिख दूं ए की पावर पी डी एक्स, ठीक है, पी इधर लिख दिया, वाई इक्वल क्यू ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, ठीक है। अब
इसमें नेक्स्ट स्टेप में मैं ये कर सकती हूँ क्या, डी अपॉन डी एक्स वाई ई की पावर पी डी एक्स, ये हो जाएगा क्या? अब आप कहेंगे कैसे होगा, तो वापस खोलेंगे देखना क्या बनेगा, यू इंटू वी से करोगे आप तो डी वाई वाई डी एक्स, ठीक है, ई की पावर पी डी एक्स एज इट इज रह गया, और प्लस में क्या वाई एज इट इज डी अपॉन डी एक्स ई की पावर पी डी एक्स, तो यानी कि e की पावर पी डी एक्स का क्या होगा, आप ये वाली स्टेप देखिए, e की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, फिर p का होगा और p का इंटीग्रेशन हट जाएगा, यानी कि केवल क्या आ जाएगा पी डी एक्स, यानी कि इंटीग्रेशन पी डी एक्स का होगा, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे ये और ये, तो आपके पास क्या बचेगा, ओनली p बचेगा, तो वापस वही स्टेप बनेगी, इसलिए इसे हम क्या कर सकते हैं, डी एक्स वाई यू इंटू वी से लिख सकते हैं, और u इंटू वी से इन दोनों टर्म को लिख दिया इक्वल q e की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, ठीक है, u इंटू वी से लिख दिया, if निकाल लिया, अब थर्ड एक स्टेप और बचती है, बोथ साइड इंटीग्रेशन, बोथ साइड इंटीग्रेशन, तो बोथ साइड इंटीग्रेशन या इंटीग्रेशन का साइन आएगा तो बताइए हट जाएगा d अपॉन डी एक्स से, तो हमारे पास बचा वाई ई की पावर पी डी एक्स इक्वल इंटीग्रेशन क्यू ई की पावर पी डी एक्स, और कांस्टेंट में क्या लगा दूं, c लगा दूं, यहाँ जो सॉल्यूशन होगा, अब ये बताइए मैं इस वैल्यू को यहाँ भेजूंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो वाई इक्वल ई की पावर माइनस पी डी एक्स क्या आएगा, इंटीग्रेशन क्यू e की पावर पी डी एक्स प्लस क्या आ गया c, ठीक है, ये इक्वेशन बनेगी। तो अब देखिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, मैं दोबारा समझाती हूँ आपको, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है इन स्टैंडर्ड फॉर्म डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल क्या होगी, क्यों होगी, इक्वेशन नंबर वन दे दिया, इक्वेशन वन देने की जरूरत नहीं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन जब करेंगे तब हमें इक्वेशन गिवन होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको मुझे हमारी ये टर्म्स याद करनी है कि हमें फर्स्ट क्या करना है, तो फर्स्ट वी फाइंड आउट इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्या निकालेंगे हम, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, दैट इम्प्लाइज ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स निकाला, ठीक है, बोथ साइड मल्टीप्लाई, अब इंटीग्रेशन कर दिया, बोथ साइड मल्टीप्लाई आई एफ ऑफ बाई आई एफ इन इक्वेशन वन, किस में कर रहे हैं हम, इक्वेशन वन में कर रहे हैं, ठीक है, आई ई की पावर, देखिए इंटीग्रेशन फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला, ई की पावर पी डी एक्स निकाल लिया इंटीग्रेशन, अब उसके बाद उसी इक्वेशन को आई एफ को हम इक्वेशन नंबर किस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वन में, बोथ साइड, ठीक है, तो क्या लिखा मैंने, बोथ साइड मल्टीप्लाई वाई आई एफ इन इक्वेशन नंबर वन, इंटीग्रेशन ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स या डी वाई वाई डी एक्स था, प्लस पी ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स वाई इक्वल क्यू ई की पावर पी डी एक्स, अब क्या होगा, यू इंटू वी से लिख दिया, इसको मैंने यू इंटू वी का फॉर्म बना दिया वापस, ठीक है, ये यू प्लस वी का फॉर्म था, ठीक है, और डी वाई वाई डी एक्स किसका हो जाएगा फॉर्म, वाई ई की पावर पी डी एक्स इक्वल क्यू ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, ठीक है। अब थर्ड स्टेप, दो स्टेप होगी, सिंपल स्टेप्स है, सिंपल है एकदम। अब देखिए थर्ड स्टेप में बोथ साइड बोथ साइड इंटीग्रेशन, ठीक है, बोथ साइड क्या करेंगे हम, इंटीग्रेशन, अब यहाँ बताइए इंटीग्रेशन अगर मैं लगा दूँ, इंटीग्रेशन डी एक्स लगा दूँ, यहाँ इंटीग्रेशन का साइन लगा के यहाँ डी एक्स लिख दूँ, तो वो डी एक्स यानी कि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन आपस में मतलब ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास केवल इक्वेशन बचेगी y e की पावर p dx इक्वल, यहाँ इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, q e की पावर इंटीग्रेशन p dx, और कांस्टेंट की टर्म हमें लेनी पड़ेगी, तो कांस्टेंट की टर्म हमने क्या ली, c ली। अब क्या आ गया, इस y को तो मैंने इधर छोड़ दिया क्योंकि हमें y की इक्वेशन बनानी है एट लास्ट, और e की पावर ये जो p dx है ये माइनस का हो जाएगा, कब जाएगा, जब आर एच एस में जाएगा तो आपके माइनस का हो जाएगा, तो e की पावर माइनस पी डी एक्स क्या होगा ब्रैकेट में, q e की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स प्लस c। तो ये है
सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपने क्या क्या पढ़ लिया, एक तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी, फिर आपने पढ़ा सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब मैं आपको इसका एक एग्जांपल लेते हूँ और एग्जांपल के थ्रू आउट इसी को समझाएंगे। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल है, वन प्लस एक्स स्क्वायर डीवाई बाई डी एक्स प्लस टू वाई एक्स माइनस फोर एक्स स्क्वायर इक्वल जीरो। ठीक है, अब सबसे पहली बात हमें किसी भी इक्वेशन है, ठीक है, आपको कोई भी इक्वेशन दे दी जाए, एनी मतलब कुछ भी आपके पास इक्वेशन हो, और आप सबसे पहले आपके दिमाग में ये चीज़ सेट होनी चाहिए कि क्या वो स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है या नहीं। और आपको इसके लिए स्टैंडर्ड फॉर्म याद होनी चाहिए और मेथड याद होना चाहिए। तो आप देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए सबसे पहले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन LDE लिख दिया मैंने सॉल्व फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी क्या है, क्या है, ये है dy अपॉन dx प्लस py इक्वल क्यू, ये होनी चाहिए। तो क्या यहाँ पर dy बाई dx की टर्म का जो कोफिशियंट है वो कितना है यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म में, आप बताइए, वन है ना। लेकिन यहाँ पर वन गिवन है क्या, नहीं है। क्या गिवन है, वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो यानी कि इसको वन बनाना है, मैं इकाई बनाना, तो इकाई बनाने के लिए वन प्लस एक्स स्क्वायर का मैं क्या कर दूँ, डिवाइड कर दूँ। तो इक्वेशन वन दे दें इसे, मैं इसे इक्वेशन को दोबारा नहीं उतार रही हूँ, बट आपको सॉल्यूशन में दोबारा उतारनी होती है। नाउ डिवाइड बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर इन इक्वेशन वन, ठीक है। तो वन प्लस एक्स स्क्वायर इसमें जाएगा तो क्या आएगा, आपको बताएं, डी वाई बाई डी एक्स प्लस अगली स्टेप में टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज लिख दिया, एक्स वाली टर्म एक साथ लिख दी मतलब, ठीक है, वाई लिख दिया माइनस फोर एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल क्या आ गया, जीरो। अब देखना नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूँगी, ये देखिए यहाँ वाई है, ठीक है, पी की वैल्यू क्या आ रही है, टू एक्स प्लस अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन क्यू यहाँ इक्वल के इधर होना चाहिए आर एच एस में, तो क्यू वाला टर्म तो ये है, लेकिन इसको इधर भेजेंगे तो प्लस का हो जाएगा। अब देखना डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल फोर एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब कंपेयरिंग बाय स्टैंडर्ड फॉर्म कंपेयर कर दें, स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म से मैंने कंपेयर किया, तो आप बताना डी वाई बाई डी एक्स की जगह है, ये इस इक्वेशन को कंपेयर किया, डी वाई बाई डी एक्स की जगह डी वाई बाई डी एक्स है, वाई की जगह वाई है, पी की वैल्यू कितनी है, टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। और अब आप बताएं यहाँ पर तो ये माइनस का, तो मैंने आर एच एस में भेजा तो किसका हो गया, प्लस का, तो क्यू की वैल्यू आप बताएं कितनी है, क्यू इक्वल फोर एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब हो गया पी और क्यू आ गया, तो स्टेप फर्स्ट हमारी क्या कहती है, फाइंड आउट e की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, यानी कि इंटीग्रल फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e की पावर पी डी एक्स, ठीक है, पी डी एक्स। और इसको इक्वेशन नंबर दो दे दे, क्योंकि ये ही हमारी आगे काम आने वाली है। इक्वेशन नंबर मैंने क्या दे दिया, दो दे दिया, इंटीग्रेशन e की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। अब देखना इंटीग्रेशन p की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स,
यही है। अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। अब देखना कि क्या होगा, हमारे पास इंटीग्रेशन इसका करें तो इंटीग्रेशन यानी कि लेट कर लें, लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल क्या मान लें, टी मान लें। टी माना तो ये क्या होगा, 2x dx इक्वल dt। तो 2x dx बराबर यानी कि दैट इम्प्लाइज if इक्वल क्या लिखेंगे, e की पावर इंटीग्रेशन dt अपॉन में t, तो यानी कि e की पावर log t। log t और e कैंसिल आउट हो जाएंगे, t आ जाएगा और 2 t की वैल्यू कितनी आएगी, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए, नाउ बोथ साइड मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बाय आई एफ ऑफ इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे ई की पावर यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, तो आप देखना क्या आएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर आई एफ का करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर को करोगे इसमें तो कैंसिल आउट हो जाएगी, यानी कि 2x वाई इक्वल 4x स्क्वायर। क्या यही बचेगी, चेकआउट कीजिए, यही है 1, यानी कि इसमें करें डी वाई बाई डी एक्स में तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई आई एफ का करते हैं। ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, 2x वाई बच गया और इक्वल में क्या बचेगा, 4x स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ से भी हट गया। अब देखिए क्या इस इक्वेशन को मैं ये लिख सकती हूँ क्या, डी अपॉन डी एक्स वाई इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इक्वल 4x स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं। तो स्टेप सेकंड में यही था, इस टाइप की इक्वेशन बना लेते थे डी अपॉन में डी एक्स। यहाँ तक तो जो हो रही थी वो क्या हो रही थी, फर्स्ट स्टेप हो रही थी, यहाँ क्या हो गई, सेकंड स्टेप हो गई। अब सेकंड स्टेप हो गई, अब क्या करेंगे, आपको दिख रहा है सिंपल सा कि ये u इंटू v की फॉर्म में आ गई, सेकंड फॉर्म यही कहती थी। अब देखिए लास्ट स्टेप हम करेंगे बोथ साइड इंटीग्रेशन। अगर आप इसे वापस खोलेंगे तो देखिए डी वाई बाई डी एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस कितना वाई एज इट इज और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का कितना होगा 2x, यानी कि सही है। तो अब हम क्या करेंगे, लास्ट स्टेप बोथ साइड इंटीग्रेशन, ठीक है, बोथ साइड इंटीग्रेशन। अब आप बताइए बोथ साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो यहां से वैल्यू हट जाएगी, मतलब सॉरी डी वाई बाई डी एक्स हट जाएगा, डेरिवेटिव हट जाएगा, तो यहाँ क्या रह जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल इंटीग्रेशन 4x स्क्वायर डी एक्स प्लस क्या कर दूँ मैं, सी कर दूँ। तो अब क्या होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, क्या होगा 4x क्यूब अपॉन 3 प्लस क्या होगा, सी होगा। और अगर आप y में निकालना चाहें तो y फॉर्म में क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर 4x क्यूब अपॉन 3 प्लस सी, यही होगा। ठीक है, अब दोबारा मैं आपको बताऊं तो इक्वेशन दी 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2yx माइनस 4x स्क्वायर इक्वल 0, इक्वेशन नंबर 1। और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल क्यू, नाउ डिवाइडेड बाई किससे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इन इक्वेशन नंबर 1 से हमने डिवाइड किया, इक्वेशन नंबर 1 में 1 प्लस एक्स स्क्वायर से यहाँ पर कैंसिल आउट हो गई, यहाँ पर 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर आ गया माइनस 4x स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल 0। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये माइनस है तो RHS में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। कंपेयरिंग बाय स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर किया तो पी की वैल्यू आई 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्यू की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, ये थीटा नहीं समझ लेना आप, क्या है ये क्यू है, ठीक है, 4x स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और आई एफ निकालेंगे ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, ई की पावर कितनी, पी की वैल्यू 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और इसका आप इंटीग्रेशन आराम से कर सकते हो, ई की पावर लॉग टी इक्वल में क्या आ गया, टी आ गया इक्वल में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई आई एफ ऑफ इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 की सेकेंड स्टेप यही कहती है कि किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप,
आई एफ से, तो आई एफ हमारा कितना आया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर लिखोगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स, यहाँ पर लिखोगे अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई होगा तो डिवाइड और मल्टीप्लाई वाला कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2xy इक्वल में 1 प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बचेगा 4x स्क्वायर। इसको मैंने LHS वाली टर्म को dy by dx y 1 प्लस एक्स स्क्वायर कर दिया, इक्वल में 4x रह गया। अब लास्ट स्टेप बचती है कि क्या करें हम, बोथ साइड इंटीग्रेशन, बोथ साइड इंटीग्रेशन कर दिया, ठीक है बोथ साइड इंटीग्रेशन कर दिया, y 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल 4x स्क्वायर dx प्लस c, ठीक है y इंटू में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या आ गया 4x क्यूब अपॉन 3 प्लस c, ठीक है। और ये अगर यहाँ पर y की टर्म आप छोड़ोगे तो ये इधर जाएगा, ठीक है माइनस का हो जाएगा, और इससे क्या हो जाएगा आपका सॉल्यूशन आ जाएगा, और ये हमारा आंसर था। तो आज आपने क्या पढ़ा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी, उसके सॉल्यूशन का टाइप पढ़ा कि कैसे सॉल्यूशन करते हैं, और उसका आज हमने क्या पढ़ा एग्जाम्पल पढ़ा, ठीक है। आप सभी इन सभी वीडियोस की क्या करें, प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस ज़रूर से ज़रूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे वीडियो को देखें, ठीक है। थैंक यू सो मच।